महाराज की जय हो। महाराज, हम विदर्भ राज की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की जय। 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 महाराज की जय हो। कोई समाचार सैनिक? अभी समाचार मिला है कि मगध नरेश इधर ही की ओर पधार रहे हैं। पुत्र रुक्मी, तुम दो कोस आगे जाकर मेरे परम मित्र मगध नरेश जरासंध का हमारी ओर से स्वागत करो। यदि आपकी ओर से स्वागत करूं तो अपनी ओर से क्या करूं पिताश्री? उन्हें पिता समान मानकर प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। मगध नरेश न केवल मेरे मित्र हैं बल्कि उत्तर भारत वर्ष के सबसे अधिक प्रतापी और अधिक शक्तिशाली सम्राट हैं। यूं भी वे आदरणीय हैं, उन्हें आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा पिताश्री। महामंत्री, पहले तो कभी मगध नरेश सूचना दिए बिना नहीं आए, यूं आने का रहस्य क्या हो सकता है? कोई विशेष ही कारण हो सकता है महाराज, ये तो उनके पधारते स्वयं ही पता लग जाएगा। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए? विदर्भ युवराज परमवीर रुक्मी आपके स्वागत के लिए आ रहे हैं। एकलव्य। जी महाराज। तुम जाकर हमारी ओर से युवराज रुक्मी का स्वागत करो। जो आज्ञा। तुम्हारी आंखों में बैठी हुई कड़वाहट से मुझे लगता है कि आचार्य द्रोण ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो कैसे युवराज? गुरु होने के नाते गुरु दक्षिणा मांगने का उन्हें अधिकार था और यह दक्षिणा देना मेरा कर्तव्य था। मेरा कटा हुआ अंगूठा मेरे गुरु का दिया वो वरदान है जो मानव जाति को विवश कर देगा कि गुरुदेव और अर्जुन के साथ मेरा नाम भी याद रखा जाए। उन दोनों के साथ मैं भी अमर हो गया युवराज। जब कभी भी इस जगत में गुरु के प्रति शिष्य की निष्ठा की बात निकलेगी, अर्जुन से पहले एकलव्य का नाम लिया जाएगा। जो तुम कह रहे हो वो भी सत्य है मित्र, परंतु अन्याय तो अन्याय होता है। अब चलें, महाराज को अधिक प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। आओ। अरे अरे, ये क्या वत्स? जब पिताश्री ने आपके स्वागत का आदेश दिया था तो मैंने पूछा था कि अपनी ओर से मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा था
कि आप पिता समान हैं, आपको प्रणाम करूं और आपका आशीर्वाद लूं, बस वही कर रहा था। आयुष्मान भव, आप मेरे रथ पर आइए। जो आज्ञा महाराज। आइए। सारथी रथ चलाओ। आशा है तुम्हारे पिताश्री स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा है। आजकल वे रुक्मिणी के स्वयंवर के विषय में सोचते रहते हैं। अच्छा, तब तो मैं ठीक समय पर ही आया। वो कैसे महाराज? वास्तव में मैं इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। तुम्हारे पिताश्री मेरे गहरे मित्र हैं, इस नाते रुक्मिणी मेरी भी पुत्री हुई। उसके लग्न के विषय में मैंने भी कुछ सोच रखा है। मगध नरेश यहाँ क्यों आए हैं? मैं क्या जानू, वो पिताश्री के मित्र हैं, उनसे मिलने या किसी समस्या पर उनके विचार जानने आ गए होंगे। जी नहीं। अरे बता दी क्यों नहीं, यही खोट है राजकुमार जी, इसमें हर बात को कौर की भांति जमाती है। ये तो ऐसे बताने वाली बात नहीं है, सोने के कंगन पहन के बताने वाली बात है। तो घर जा और पहन के आ। घर क्यों जाऊँ, मैं सोने के कंगन राजकुमारी जी से ही लूंगी। कुछ पूछने के लिए मैं कंगन कभी ना दूंगी। परंतु प्रसन्न होगी तब तक होगी ना। बता भी दे, बात को इतना मत कीज कि टूट ही जाए। मगध नरेश राजकुमारी जी के स्वयंवर का शुभ मुहूर्त निकलवाने आए हैं। क्या कहा तुमने? जी हाँ राजकुमारी जी, चेदी देश के युवराज शिशुपाल के साथ। शिशुपाल? वासुदेव के शत्रु शिशुपाल? चेदी नरेश यदि आपके मित्र हैं प्रिय मित्र, तो इस नाते वो मेरे भी प्रिय मित्र हुए। और चेदी युवराज शिशुपाल के कसबल की कथाओं से तो सारा भारतवर्ष गूंज रहा है। तो फिर मैं ये समझूं कि रुक्मिणी के लिए शिशुपाल के प्रस्ताव को आपने स्वीकार कर लिया है। पिताश्री प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव, ये मेरा दूसरा पुत्र रुक्मिण है। मगध नरेश को प्रणाम करो पुत्र। आयुष्मान भव। बैठो पुत्र, तुम ठीक समय से आए हो। हम रुक्मिणी स्वयंवर के विषय में ही वार्तालाप कर रहे थे। इस विषय में मेरा भी कुछ निवेदन है पिताश्री। कहो पुत्र। रुक्मिणी हमारी इकलौती बहन है और पांचाली के अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष में और किसी भी राजकन्या के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती, ना ही संस्कार में, ना ही तेज में और ना ही सौंदर्य में। इसलिए उसका वर ऐसा होना चाहिए जो कि नरों में भी नारायण लगे। ऐसा कौन है पुत्र? वासुदेव कृष्ण पिताश्री। असंभव। क्यों भ्राताश्री? पहला कारण यह है कि तुमने उसका मगध नरेश के सामने नाम लेकर मगध नरेश का अपमान किया है। मगध नरेश हमारे पिताश्री के अतिथि हैं और उनका अपमान पिताश्री का अपमान है। और दूसरा कारण यह है कि रुक्मिणी राजकन्या है और उसका विवाह राजवंश में ही हो सकता है। और तीसरा कारण यह है कि कौन जाने वो वसुदेव का पुत्र है या स्वर्गीय महाराज कंस के दास नंद का। क्या पता वो देवकी का पुत्र है या यशोदा नंदन, जिसके वंश वृक्ष की जड़ों का ज्ञान ना हो, हम उसके साथ अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकते। परंतु भ्राताश्री, तुमने सुना नहीं, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उस ग्वाले के साथ नहीं कर सकते। और चेदी नरेश का विदर्भ से ये संबंध राजनैतिक दृष्टि से भी लाभदायक सिद्ध होगा। यदि भुजाओं में बल हो मगध नरेश, तो शूरवीर नातों को राजनीति का आधार नहीं बनाता। कंदमादन पर्वत के ऋषि द्रुम का कोई शिष्य अथवा परशुराम जी से ब्रह्म शास्त्र विद्या प्राप्त करने वाला कोई महायोद्धा ही ये बात कह सकता वत्स रुक्मी। परंतु जीवन केवल भुजाओं के बल पर ही नहीं है, भुजाओं से आगे भी बहुत दूर तक है और पीछे भी बहुत दूर तक है। अतीत में देखो, लंकापति रावण यही भूल कर चुके हैं, उनकी भुजाओं में भी बड़ा बल था युवराज रुक्मी।
अरे मित्र, ये वाद विवाद क्यों? रुक्मी और शिशुपाल के एक हो जाने के पश्चात भारतवर्ष के किसी राज्य की शक्ति ना तो चेदी देश की सीमा की ओर देखने का साहस कर पाएगी और न विदर्भ की सीमा की ओर। मैं आपके इस प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप हमारी ओर से युवराज शिशुपाल को आमंत्रण दीजिए मित्र। आपका आदेश सिर आंखों पे पिताश्री। शिशुपाल जैसे महायोद्धा का संबंधी होना हमारे लिए गौरव की बात है, परंतु मगध नरेश के तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा मैं तर्कशास्त्री हूँ, परंतु जीवन की पाठशाला में जो सीखा है वो बता दिया। हम और तुम्हारे पिताश्री वर्तमान है, तो आज परिभाषाएं हमारी, तुम भविष्य हो, इसलिए वर्तमान बनने की प्रतीक्षा करो। परंतु यदि शिशुपाल से ये संबंध स्वीकार नहीं है तो जिस संबंध का आपने प्रस्ताव दिया हो और पिताश्री ने भी स्वीकार कर लिया हो, वो भला मुझे व मेरे अनुज को कैसे अस्वीकार हो सकता है? यह तो और भी अच्छा है, युवराज शिशुपाल से मेरा परिचय रणभूमि की जगह यहां इसी घर में हो। आप उन्हें अवश्य आमंत्रित कीजिए।